आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो कि एक यूपी स्टेट का सरकारी बैंक है, इसका डिपॉजिट स्लिप किस तरह भरते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जो फॉर्म है 200 में बटा है, ये बैंक कॉपी, ये कस्टमर कॉपी। तो स्टार्ट करते हैं कस्टमर कॉपी पे। डेट में जिस दिन भी आप पैसे जमा करेंगे उस दिन की डेट डाल दीजिएगा। करंट या सेविंग बैंक जो भी है उसमें टिक लगा दीजिएगा। उसके सामने उसका डेडिकेटेड अकाउंट नंबर जो भी है पासबुक से 2 से 3 बार चेक करके डाल दीजिएगा। जिस नाम से आपका खाता खोला है उस नाम डाल दीजिएगा पूरा कैपिटल में। यहाँ रुपीज़ वर्ड्स में डाल दीजिएगा जितना अमाउंट आप जमा करेंगे अपने खाते में। यहाँ फिगर में डाल दीजिएगा, जैसे मैं 1000 रुपये जमा करूँ तो मैं 1000 लिखा, यहाँ वर्ड्स में 1000 लिख दिया। डिपॉजिटर सिग्नेचर में आपको साइन कर देना अपना। अब आते हैं बैंक कॉपी में। यहाँ ब्रांच में ब्रांच डाल दीजिए जिस ब्रांच में आप पैसे जमा कर रहे हैं। नेजर फोलियो और नेजर असिस्टेंट छोड़ देंगे। यहाँ चुन लीजिए करेंट या सेविंग बैंक अकाउंट है, उसके सामने अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा अपने खाते का। यहाँ अपना नाम डाल दीजिएगा जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है। यहाँ वर्ड्स में डाल दीजिएगा। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर कोशिश करिएगा वो डालें जो आपने बैंक में लिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग के। यहाँ वर्ड्स में डाल दीजिएगा जितना जमा कर रहे हैं। यहाँ फिगर में डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक साइन करना है डिपॉजिटर सिग्नेचर में। यहाँ पर चेक लॉज नंबर आपको तब यूज़ करना है जब चेक से अपने अकाउंट पर पैसे जमा करेंगे या चेक जमा करेंगे अपने अकाउंट में। बस इतना ही करना है, इसके बाद आप कैश काउंटर में चले जाइए, कैश लेके आपका अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा और आपको 2 से 3 मिनट बाद मैसेज आ जाएगा। वेल, इतना ही कॉलम आपको भरना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।